हमारे एक को लीडर जिन्होंने 21 साल की उम्र में आरसीएम किया, 22 साल जार लगा के किया, आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 2007-08 में रायपुर
शुरू हो गए थे और 2009 में हमारी शादी हुई थी। सितंबर 2009 में ये रत्नेश जी का सफायर 11 आ चुका था। आप सबको लग रहा होगा इतनी सारी कहानियों का कारण है, सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रीजन था और एक विजन था कि जो परिवहन में सिक्योरिटी नहीं थी, जो परेशानियां थी, वो मेरी आने आगे आने वाली पीढ़ियों तक नहीं जाना चाहिए। जो जीवन मैंने जिया है वो मेरे बच्चे नहीं जिएंगे। इससे ज्यादा प्राउड की बात ना भी लड़की के लिए कुछ नहीं हो सकती कि आपने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो सेल्फ मेड है, जिसने कभी किसी की सहायता नहीं ली अपने किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं ना लाइफ, मैं उस लाइफ को जी रही हूँ। पिक्चर परफेक्ट लाइफ ये होती है ना, जब आजकल जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं लोग 2-3 मिनट के लिए खुश होकर फोटो खिंचा लिया करते हैं, बाद में बैक टू लाइफ होते हैं। पर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं था, पिक्चर परफेक्ट नहीं थी, लाइफ भी परफेक्ट थी। दिसंबर 2023 के पहले अगर किसी को ये लग रहा होगा कि रत्नेश जी बाहर थे, उनके एक्सीडेंट की हमारे साथ इतनी सैपनिंग हुई है और उसमें उनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ कांच से उतर के कुछ चंद कदम आगे बढ़े थे,
बोलना है बल्कि हर एक के दिल तक पहुंचाना है। धन्यवाद। थैंक यू।